नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर, खुशखबरी कह सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लेटर पड़ा हुआ है प्रेषक सत्य प्रकाश अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, शिक्षा अनुवाद 5 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 2023 को, और विषय है सहायक अध्यापकों की पदोन्नति, उनके स्थानांतरण समायोजन तथा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में विचार विमर्श हेतु बैठक। महोदय महोदया, कृपया परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति, उनके स्थानांतरण समायोजन तथा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में विचार विमर्श हेतु दिनांक 13/1/2022 को अपराह्न 5 बजे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बैठक आहूत की गई है। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त बैठक में आवश्यक सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें भाव दिए सत्य प्रकाश अनुसचिव। देखिए साथियों, ये मीटिंग हो चुकी है और अब शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन के लिए शासन और प्रशासन में बात चल रही है। आपको बताना चाहेंगे, 12 तारीख को जब से शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ है, तब सरकार में शिक्षा मित्रों को लेकर खलबली मची हुई है। आपको बताना चाहेंगे, हजारों संख्या में अनदेशक और शिक्षा मित्रों के इस हक और सम्मान की लड़ाई में हजारों शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचे थे और अपने हाथों में शिक्षा मित्र अनदेशों को नियमित करो की पट्टी लेकर धरना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्वक ढंग से। इको गार्डन खचाखच भरा हुआ था शिक्षा मित्रों से। इस कार्यक्रम में मोहनलालगंज और मलियाबाद के माननीय विधायक भी पहुँचे और आपको बताना चाहें, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी की धर्मपत्नी जया किशोर जी भी पहुँची थी और उन्होंने शिक्षा मित्रों के मांग पत्र को लिया और भरोसा दिलाया कि आपकी इन समस्याओं पर जल्द वार्ता की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 13 तारीख को तुरंत शासन प्रशासन में सुपुहाट शुरू हो गई और मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है समायोजन और स्थानांतरण को लेकर शिक्षा मित्रों का। लेकिन यहीं पर आपको बताना चाहेंगे, इसी बीच 12 जनवरी को अनुदेशकों के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी दिल्ली में लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय राष्ट्रपति जी के लिए अपना संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें अनुदेशकों की समस्याओं को रखा और वहीं मुलाकात की डॉक्टर एपी सिंह साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए उनसे आशीर्वाद लिया। तो कह सकते हैं कि लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए कार्य किया जा रहा है और अब देखते हैं सरकारें इनके हक में फैसला कब तक देती हैं। इन सब पर ध्यान रखते हुए हम सब शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों से यही कहना चाहेंगे, आपने इतने समय तक सब्र को बनाए रखा और धैर्य का परिचय दिया है, क्योंकि आप एक आदर्श शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यूं ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे सभ्यता संस्कृति के दायरे में। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपकी सारी मुरादें जल्द पूरी हों, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल नहीं तो आज हम वो हक लेकर रहेंगे और निश्चित जीत आपकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।